नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे से। प्रधानमंत्री का जो दौरा है, दो दिन का मिस्र का दौरा है। प्रधानमंत्री ने आज मिस्र के मशहूर पिरामिड के दीदार किए। यहां पिरामिड के इतिहास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजदीकी से जाना। मिस्र के पिरामिड करीब 4000 साल पुराने हैं। दुनिया की 7 अजूबों में से एक ये पिरामिड अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब मिस्र के पिरामिड को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। दो दिन का ये दौरा कई मायनों में खास है और इस पिरामिड का अपना एक इतिहास है, और उसी इतिहास को यहां पर समझते हुए प्रधानमंत्री आपको उस वक्त की तस्वीरों में नजर आए। और चलिए अब बात मानसून की करते हैं। पहाड़ों से मैदानों तक, दिल्ली से मुंबई तक मानसून की एंट्री हो चुकी है और रात से झमाझम हुई बारिश ने गर्मी से राहत दे दी है। 62 साल में ऐसा हुआ है कि दिल्ली मुंबई में एक साथ मानसून की एंट्री हुई। दिल्ली में जहां 5 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी, तो वहीं मुंबई में भी 15 दिन की देरी के बाद बारिश से मुंबई तरबतर हुआ है। पहाड़ों से मैदानों तक रिमझिम। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ठाणे, मुंबई, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ हो या मैदान, ये बारिश राहत की बारिश बनकर गिरी है। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बारिश राहत की सुबह लेकर आई। रात से हो रही बरसात की वजह से उमस से राहत मिली। माना जा रहा है कि दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। रात से शुरू हुआ बारिश का ये सिलसिला यहाँ अभी तक जारी है। देर रात से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मॉनसून ने अपनी दस्तक जो है वो दिल्ली में दे दी है। देर रात से ही लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोधी रोड इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से झमाझम बारिश जो देर रात से हो रही है वो अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून ने पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर दस्तक जो है वो दे दी है। अमूमन जो मॉनसून है वो 27 जून के आसपास दिल्ली के अंदर दस्तक जो है वो देता है, लेकिन इस बार मॉनसून ने दो दिन पहले जो है वो दस्तक जो है वो दी है। लोगों को एक बड़ी राहत, जो पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और तकरीबन 42 डिग्री के आसपास के तापमान से जूझ रहे थे, उमस से जूझ रहे थे, उनको एक बड़ी राहत जो है वो मिली है। दिल्ली एनसीआर में रविवार देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम जहां खुशगवार हो गया है, वहीं दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान लगाया था कि रविवार से दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश होगी जो कई दिनों तक चलेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं अगर कहें तो प्री मानसून की ये बारिश है, जिसको बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी दिल्ली एनसीआर में। तापमान में भारी गिरावट है। 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। रात भर हुई बारिश ने दिल्ली के मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पे और अभी भी लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। इस बारिश से दिल्ली का मौसम एकदम सुहावना हो गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। ठंडी हवाएं इस समय दिल्ली में चल रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है। इंसानों के लिए तो ये राहत की खबर है, बल्कि दिल्ली में रह रहे पशु पक्षियों के लिए भी ये बारिश एक गुड न्यूज लेकर आई है। मॉनसून का इंतजार जून के शुरुआती दिनों से किया जा रहा था। हालांकि मॉनसून देरी से आया है, इससे पहले दिल्ली वाले झुलसती हुई गर्मी से परेशान थे, लेकिन ये मॉनसून दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मोती बाग का इलाका हो, रफी मार्ग हो या कर्तव्य पथ, बरसात ने मौसम बदलने का इशारा कर दिया है। राजधानी से सटे एनसीआर में भी प्री मॉनसून रेनिंग देखने को मिली है।
गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी जमा हो जाने की वजह से कुछ परेशानी भी हो रही है, तो नोएडा गाजियाबाद में राहत की बरसात से लोग काफी खुश है। बारिश बहुत बढ़िया हो रही है साहब, रात 1 बजे से शुरू हुई बारिश और अभी तक रुकी नहीं है। अच्छा मौसम हो गया और इतनी राहत मिली है गर्मी से। इसको इस तरह देखते हैं कि पूरे शरीर जल गया था गर्मी में, पूरी पीठ गला हाथ में हो गया जलन जलन टाइप की। आज रात से बारिश से कुछ राहत है, अगर ये 2-3 दिन रहेगी तो समझो कि खेती को भी फायदा रहेगा और अपने आप को भी फायदा रहेगा। मॉनसून ने ऐसी ही दस्तक मुंबई से दी है, यहाँ भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की है, जहाँ जमा हुआ पानी तस्दीक कर रहा है कि बरसात जम कर हुई है। मुंबई से सटे ठाणे शहर में भी राहत वाली बरसात हुई है, जिससे शहर में पारा गिरा है। पास्ट 24 आवर्स से मॉनसून आगे बढ़े हैं, काफी आगे तक आगे बढ़े हैं, जैसे कि एंटायर महाराष्ट्र में मॉनसून आ चुके हैं, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश में मॉनसून आ चुके हैं, दिल्ली में मॉनसून आ चुके हैं, मुंबई में मॉनसून आ चुके हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्सा, जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा और गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा में मॉनसून आ चुके हैं। हमारा ये पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में मॉनसून और फिर आगे बढ़ेगा ये एक्टिव कंडीशन के साथ, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो उत्तराखंड में मॉनसून का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में बरसात के बाद यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसे अब खोल दिया गया। मॉनसून की दस्तक देते ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश सहित आसपास के हिस्सों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। जहां एक ओर लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, तो यहां हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी ज्यादा गर्मी से राहत मिल गई है। अगले 24 घंटे में यहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कुछ यही आलम उत्तराखंड के बागेश्वर का है। बागेश्वर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे एक ओर तो यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जंगलों की भीषण आग भी काबू में आ चुकी है। बहरहाल मैदानों से पहाड़ तक, दिल्ली से देहरादून तक मॉनसून झूम के आ गया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल मॉनसून में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली और मुंबई में मॉनसून एक साथ पहुंचा है। आमतौर पर मुंबई में मॉनसून जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन इस साल अरब सागर में मॉनसून के कमजोर पड़ने के चलते दिल्ली और मुंबई में मॉनसून लगभग एक ही समय पर पहुंचा। दिल्ली से सुशांत बेहरा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून के दस्तक देते ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मुंबई के घाटकोपर में जहां इमारत ढहने से फंसे 2 लोगों को जिंदगी बचाने में एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है, वहीं पंचकुला में घग्गर नदी में कार में फंसी जिंदगी को बचा लिया गया। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दी तो भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक इमारत ढह गई। इस इमारत के मलबे में 6 लोग दब गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के घाटकोपर स्थित में, जहां पर करीब 9:15 से 9:30 बजे के करीब ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिला जो बंगलो टाइप का है, वो उसका कुछ भाग जो है गिर गया है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी भी इसके अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। आपको बता दें करीब 9:15 से 9:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें बिल्डिंग का एक भाग जो है अचानक से गिर गया है। आपको बता दें मुंबई में लगातार कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद आज ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हालांकि अभी भी 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं
और जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के हो, एनडीआरएफ की टीम, मुंबई पुलिस की टीम है, लगातार कोशिश कर रही है कि इन दोनों लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। दोनों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की तीन टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव काम में जुटी हुई है। इमारत के पहले तल पर दो लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए राहत का काम चल रहा है। हमारी तीन टीम यहाँ पे पहुंची है और एक टीम कंटिन्यूसली 10:30 बजे से वर्क कर रही है, और जो जैसा आप देख सकते हैं जो पैटर्न है बिल्डिंग कोलैप्स का, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ है। उसका फ्लोर असेंबली और जो वॉल असेंबली है वो कोलैप्स हुआ है, तो उसके वजह से अप्रोच करने में उसको टाइम लगेगा। जैसे वाइट स्पेसेस हमको मिल जाते हैं, हम ब्रिजिंग कैमरा इंसर्ट कर रहे हैं, और जैसे मिल जाता है, विक्टिम ट्रेस हो जाता है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन करने के लिए, सर्च करने के और रेस्क्यू करने के लिए हम प्रयास करेंगे। लोगों को बचाने की कवायद तो आपने देख ली, लेकिन आप जरा देखिए कार में फंसी जिंदगी को बचाने की जंग। ये तस्वीरें पंचकूला के पास घग्गर नदी की है, जहां नदी की गरजती लहरों के साथ चल रही है कार में फंसी एक जिंदगी को बचाने की जंग। इस वक्त हम लोग पंचकूला की घग्गर नदी के तट पर मौजूद हैं। मेरे दाईं ओर आप देखें तो इस नदी में अचानक बाढ़ आ गई है, और इस बाढ़ में एक कार फंसी हुई हम देख सकते हैं। इस कार में एक महिला थी, उस महिला को अब रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कार भी अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, बाढ़ इन नदी नालों में आई हुई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने उस महिला को देखा, और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाया। जिस कार को आप पानी में बहता हुआ देख रहे हैं उसमें एक महिला मौजूद है। रेस्क्यू करने वालों के लिए ये मिशन आसान नहीं था। पानी की धार इतनी तेज थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। ये महिला परिवार के साथ नदी की पूजा करने के लिए आई थी। गाड़ी नदी के किनारे ही खड़ी कर दी गई। जब नदी में अचानक पानी आया तो परिवार के बाकी लोग गाड़ी के बाहर थे, बस एक महिला गाड़ी के अंदर थी। परिवार की आंखों के सामने ये महिला कार के साथ नदी में बह निकली। महिला को बचाने के लिए जुटी रेस्क्यू की टीम ने पहले रस्सियों की मदद से खुद को बांधा। देखिए किस तरह इनमें से एक शख्स गाड़ी के अंदर जाकर महिला को रस्सियों से बांधकर निकालता है। इस दौरान जरा सी चूक पर भारी पड़ सकती थी। महिला को सुरक्षित निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचकुला से सतेंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ मुंबई से एजाज खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस टुडे। वही पंचकुला के घग्गर नदी में एक और हादसा हो गया। यहां नदी पार करते वक्त दो महिला समेत सात लोग नदी के बीच में फंस गए। लोगों को निकालने के लिए स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं, ताकि जो लोग पानी के तेज बहाव में फंसे हैं उनको निकाला जा सके, जिनमें की दो महिला बताई जा रही है और सात लोग कुल मिलाकर इस तरीके से बताए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद थी और इनकी मदद से लोगों को वहां बाहर निकालने की कोशिश जारी है। साधारण सी मिट्टी में अपने हुनर के जरिए जान फूंकने वाले मूर्तिकारों में भी वो मूर्तिकार असाधारण और विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं जो पोर्ट्रेचर बनाते हैं, जिसमें मूर्तिकार अपने सामने बैठे ऑब्जेक्ट को लाइव उसी वक्त बैठकर मिट्टी के सहारे मूर्ति की शक्ल दे देते हैं। देश में ऐसी कला के धनी कलाकार ना के बराबर हैं, लेकिन वाराणसी के राजेश कुमार को इसमें महारत हासिल है। उन्होंने देश के कई नामचीन लोगों की मूर्ति बनाई और अब उनकी इच्छा मोदी और योगी की लाइव मूर्ति बनाने की है।
व्यक्ति चित्र बनाने की इस कला के धनी ये मूर्तिकार हैं राजेश कुमार। जैसे चित्रकार किसी शख्स को सामने बैठाकर कैनवस पर ब्रश के जरिए अपना हुनर दिखाता है, वैसे ही मूर्तिकार राजेश सामने बैठाकर मूर्ति बनाते हैं और अपनी विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं। वाराणसी के राजेश कुमार, जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, इस कला में महारत रखते हैं। वो महज एक घंटे में सामने बैठे शख्स की शक्ल मिट्टी में हूबहू गढ़ देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कला की नहीं रही है, लेकिन उनका रुझान हमेशा से रहा। इसमें मिट्टी की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मिट्टी में ही हम शिल्प को गढ़ते हैं और कहा जाता है कि शरीर भी पांच तत्व से बना है। तो ये वो सारी चीज़ें हम एकत्रित करते हैं, गंगा की मिट्टी को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसको हम हमेशा गीली रखते हैं और मिट्टी के माध्यम से और अपने उंगलियों से वो शिल्प को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद फिर उसका प्रोसेस है जिसको हम परमानेंट मीडियम में डालते हैं। इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है और मुझे आनंद आता है जब हम ऐसे कला संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे साधकों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तस्वीरों में राजेश के सामने काशी के प्रसिद्ध हास्य कवि सुदामा तिवारी, जो सांड बनारसी के नाम से भी जाने जाते हैं, बैठे हुए हैं और राजेश उनकी मूर्ति कर रहे हैं। हास्य कवि राजेश की विलक्षण प्रतिभा से न सिर्फ दंग रह गए, बल्कि उन्होंने राजेश की जमकर तारीफ भी की। मैं तो विदेशों में भी जा करके देख चुका हूँ, वहाँ मोम से बनाते हैं और ये मिट्टी से बना रहे हैं, तो ये तो इनका अलग ही प्रोसेस है, लेकिन उन लोगों का अलग तरीका है। आपको मैं आज पहली बार मिला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों की मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं और जिनकी बनाना चाहते हैं और इनको और भी प्रेरणा मिलती रहे, ये काशी में रह करके जो कार्य कर रहे हैं ऐसा कार्य कोई करने वाला नहीं है, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इनको अर्थ की व्यवस्था भी कुछ करें। फाइन आर्ट की पढ़ाई के लिए राजेश दरभंगा से बीएचयू आए तो काशी की मिट्टी से ऐसा लगा हुआ कि वो यहीं पर रच बस गए और यहीं पर अपनी कला को परवान चढ़ाने लगे। राजेश डॉक्टर नामवर सिंह, पंडित जसराज, नागार्जुन, जानकी वल्लभ शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री, अनूप जलोटा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की मूर्तियां सामने बैठाकर बना चुके हैं और अब वो देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मूर्ति बनाने की कामना रखते हैं। मिट्टी के सहारे अपनी कला को मूर्त रूप देते हुए कई शिल्पकार और मूर्तिकारों को तो आपने देखा होगा, लेकिन वाराणसी के राजेश कुमार एक अद्भुत मूर्तिकला के धनी हैं जिसको पोर्ट्रेचर कहते हैं, जिसके तहत इन्होंने कई नामचीन लोगों की मूर्तियां बनाई हैं, वो भी लाइव बैठाकर, चाहे नामवर सिंह हो, चाहे जानकी वल्लभ शास्त्री हो, और ऐसे ही ये तमाम संस्कृति और संगीत कला से जुड़े हुए लोगों की मूर्तियां बनाना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि इसी तरह से पोर्ट्रेचर के जरिए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मूर्ति बनाएं और यूं ही इनकी कला का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, जीएनटी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।